इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के डीमेरिट्स की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि जो रोल नंबर है वो डिफरेंट रहते हैं एंड जो डेट्स है वो डिफरेंट रहती है या सेम, तो ये सारे अभी मैं डीमेरिट्स के अंडर कवर करता हूँ। वेलकम बैक अगेन। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ पर मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के क्या मेरिट्स हैं एंड क्या डीमेरिट्स हैं वो सारे कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरिट्स के बारे में तो जानते हैं बट क्या डीमेरिट्स हैं वो काफ़ी कम स्टूडेंट ही यहाँ पर जानते हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पर आपकी एक ही स्लाइड में यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है नेट पर, बट आपको एक ही जगह पर यहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और स्टार्ट में आपके मेरिट से करूँगा एंड देन लास्ट में आपके डीमेरिट्स कवर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं मेरिट्स की बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो आपका मेरिट है वो है आपका, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की, अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव मार्क्स, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी जगह पर यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया अभी भी फॉलो होता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आपको आपको एक मौका मिलता है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का एज अ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये पहला आपका मेरिट था। एंड सेकेंड की अगर हम बात करें कि नो लिंक विथ स्कूल, यानी कि आपको स्कूल के यहाँ पर चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना इंडिपेंडेंट होकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये आपका सेकंड बेनिफिट है। यहाँ पर स्कूल आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं जो कि है बोथ मार्कशीट्स आर वैलिड, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है पुराने वाली, यानी कि जो अभी की मार्कशीट है एंड आप आफ्टर इम्प्रूवमेंट के बाद की जो आपकी मार्कशीट रहेगी उन दोनों की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बराबर रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट दिया है तो आपकी मार्कशीट की वैल्यू कम हो गई है, तो इसलिए क्योंकि जेई जैसे एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपके इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट है वो वैलिड रहती है, तो आपके बाकी एग्ज़ाम्स में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ाम की मार्कशीट वैलिड रहेगी। एंड आपका नेक्स्ट अगर हम बेनिफिट की बात करें जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट सिलेक्शन, यानी कि आप जितने भी सब्जेक्ट में चाहें उतने सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट में देना है या फिर आप कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, आपकी इच्छा के हिसाब से आप अपना यहाँ पर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए। अब हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं कि इफ़ लो मार्क्स या फिर फेल हो जाता है कोई स्टूडेंट तो आपकी जो पुराने वाली मार्कशीट है वो वैलिड रहती है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें क्लियरली लिखा था कि आपकी जो बोथ मार्कशीट्स आर वैलिड, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं अभी से। वैसे तो इम्प्रूवमेंट का मतलब ही होता है कि आपको अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का मौका देना, बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण स्टूडेंट्स के मार्क्स कम भी हो जाएँ तो भी यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं है क्योंकि जो आपकी पुरानी मार्कशीट है वो वैलिड रहेगी। अब नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें जो कि है नो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या फिर वाइवा, जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं उसके जो मार्क्स आपके प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड कर लिए जाते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आपके जो प्रैक्टिकल में मार्क्स थे वो मार्क्स आपके सेम रहते हैं और आपको इम्प्रूवमेंट में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अगले इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें जो कि इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ मार्कशीट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके पास दो मार्कशीट रहेंगी, आप दोनों को कंबाइन करके यूज़ करें चाहे आप इंडिविजुअली यूज़ करें तो आपके पास पूरा यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अगर हम अगले बेनिफिट की बात करें जो कि ये फॉर्म फिलिंग इज़ ऑनलाइन, तो आपको फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो फुली ऑनलाइन रहता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती, आप अपने घर पे बैठ के अपना फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। एंड अगले हम फ़ायदे की बात करें जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ एग्ज़ाम सेंटर, तो अभी जैसे अगर आप स्कूल के स्टूडेंट रहते हैं तो आपको जहाँ आपका स्कूल का सेंटर पड़ता है वहीं से आपको देना पड़ता है, बट अगर आप एज अ इम्प्रूवमेंट प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने की, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम अगले बेनिफिट की बात करें जो कि है नो यूनिफॉर्म फॉर एग्ज़ाम्स, तो आपका यहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं रहता है पर्टिकुलर ड्रेस कोड जो कि आपको फॉलो करना पड़े एग्ज़ाम के टाइम पे, आप अपने हिसाब से जो आप जिसका क्लोज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप एग्ज़ाम्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ मेरिट्स थे जो कि मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो अब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की।
तो जो डीमेरिट्स है वो कंपेरेटिवली यहाँ पर थोड़े कम हैं मेरिट्स के हिसाब से। तो पहला जो आपका डीमेरिट है वो है कि यू हैव टू कैरी बोथ मार्कशीट्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो आप पर्टिकुलर, जैसे आप एक या दो सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं बट आपकी जो परसेंटेज है वो पाँच सब्जेक्ट से मिल के बनती है, तो आपको यहाँ पर दोनों मार्कशीट कैरी करनी पड़ सकती है। और आपको जैसे कि आप कंबाइन करके भी अगर यूज़ करते हैं तो भी आपको दोनों मार्कशीट यहाँ पर, जैसे एडमिशन के लिए जाते हैं या फिर कहीं आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको दोनों मार्कशीट कैरी करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड आपका डीमेरिट है जो कि ये डेट्स आर डिफरेंट। तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट मार्कशीट जिस टाइम आपका रिजल्ट आता है या फिर जिस टाइम आपको मिलती है तो उसमें उस टाइम की डेट यहाँ पर मेंशन रहती है, तो आपकी जो डेट है वो भी डिफरेंट रहेगी आपकी इम्प्रूवमेंट के मार्कशीट में। एंड एक और जो डीमेरिट तो नहीं है बट अब जो कि डिफरेंट है आपकी मेन मार्कशीट से, वो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो मार्कशीट है उस पर प्राइवेट कैंडिडेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है, क्योंकि जो आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप अप्लाई करते हैं तो उस पर अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट या फिर प्राइवेट कैंडिडेट यहाँ पर मेंशन रहता है। फिर आपका अगला जो डीमेरिट है वो है लैक ऑफ गाइडेंस, यानी कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आपको टीचर से या फिर आपके जो स्टूडेंट फ्रेंड्स बनते हैं उनसे आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको पता चल जाती है। बट आप जैसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम अपने खुद के मतलब कंफर्ट जोन या फिर घर से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको इतनी गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो ये वैसे डीमेरिट में नहीं होना चाहिए बट ये मैंने इसलिए बता दिया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिसगाइड हो जाते हैं एंड जो प्रिपरेशन का जो तरीका है वो सही नहीं रखते, इसलिए जो ज़्यादा बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। तो इसलिए आप अपना अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और अपना अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो और अगला जो डीमेरिट की हम बात करें, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स। अगर आप जैसे स्कूल के स्टूडेंट होते हैं तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स होती है या फिर कुछ भी आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड हुआ या फिर कुछ अदर इंफॉर्मेशन होती है वो आपके टीचर्स के थ्रू आपको मिल जाती है। बट आप अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद गैदर करनी पड़ती है और जो जैसे एडमिट कार्ड आएगा ये सब आपको थोड़ा अपने आपसे सर्च करना पड़ता है। तो ये आपका कुछ डीमेरिट्स थे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के, जो कि वैसे डीमेरिट्स नहीं कहेंगे, बस ये है कि क्वेश्चन है आपका कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स की डिमांड पे बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और एक और बात, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इम्प्रूवमेंट एंड जो बोर्ड की मार्कशीट उसमें क्या डिफरेंस रहता है, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे वो वीडियो की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। I'm not the one who's always right.